370 के खात्मे के बाद कश्मीर की फिजा तेजी से बदल रही है। बारूद की दम घोटू हवा की जगह अब विकास की शीतल बयार बह रही है। कभी अलगाववाद और आतंकवाद का केंद्र रहा श्रीनगर का लाल चौक, आज उसी विकास की गवाही दे रहा है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाल चौक इलाके की शक्लो सूरत पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। करीब तीन दशक तक अलगाववाद, आतंकवाद, आंदोलन और कश्मीर की सियासत का केंद्र रहा श्रीनगर का लाल चौक अब विकास और सौंदर्य का मुख्य आकर्षण बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाल चौक इलाके का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 20 करोड़ रुपए की लागत से लाल चौक की शक्ल सूरत बदल रहा है। इसके तहत सड़कों का सौंदर्यकरण, पेडिस्ट्रियल का निर्माण, वृक्षारोपण और पार्कों के रेनोवेशन जैसे काम किए जा रहे हैं। सभी कामों पे जो है सभी जगहों पे काम जोरों से चल रहा है। लगभग हमारे 80 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग है। हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको इनफैक्ट दो तरह से प्रायोरिटाइज किया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अप्रैल एंड और अर्ली नेक्स्ट मंथ हम लोग उनको कम्प्लीट कर सकें। लाल चौक के जीर्णोद्धार प्लान के तहत मशहूर घंटा घर के रेनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। 44 साल से श्रीनगर की पहचान रहे घंटा घर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। यही वजह है कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसकी कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। फ्रंट साइड का रेनोवेशन किया जा रहा है, इसकी छत को दोबारा से बनाया जा रहा है, घड़ी वाले स्पेस को बड़ा किया जा रहा है ताकि डिजिटल डिस्प्ले वाली मल्टीपर्पज घड़ी लगाई जा सके। वो काफी डाइलिपिटेटेड कंडीशन में था, इनफैक्ट बीच में भी कुछ कुछ जो है कई बार उसमें गिरने के भी जो है आसार थे। सो उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूरी करा के दैट्स बीइंग नाउ रेनोवेटेड। सो इट इज नॉट बीइंग, उसका जो छत है, छत इज बीइंग रीडन। प्लस इसमें जो घड़ियां जहां पे जो इम्पोर्टेंट रहती है उसके लगाने की प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर जगह नहीं थी, दैट इज अगेन बीइंग प्रॉपरली डन। ये वही लाल चौक इलाका है जहां दहशतगर्दी के दौर में तिरंगा फहराना बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्थानीय लोग भी अब विकास की मुख्य धारा में शामिल होने को खुद की खुशनसीबी मान रहे हैं। मैं इसको पॉजिटिव चीज की तरफ से देखता हूं क्योंकि हमारी स्टीम अभी क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर रिनोवेशन चल रही है। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर, तो ये